कुछ लोग जो इल्म नहीं रखते उनकी कमजोर उनमें कमजोर हैं, वो कौम की रहनुमाई के मंजर में खुले दुश्मन है, उनकी तरफ से तो बात तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि नहीं होंगी, वो तो करेंगी ही करेंगे कुछ कोशिशें अपने नादानों की तरफ से। जो बात कह रहा हूँ वो हिदायत और रहनुमाई के हवाले से कहूँगा, मैं अपने से छोटों पर तनकीद कभी नहीं किया। बाजी बारिश बाबा हम बाजी खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गए कि बाप की गाड़ी में भी हाथ डाल दिया। उलमा की बेहतरामी में यहाँ तक पहुँचे कि मर्जियत पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की। उन्हें ये मालूम नहीं है कि मर्जियत तशय्यो का वो खासा है जो किसी और मकतब फिक्र के पास है। मर्जियत के हवाले से कोई बात नहीं सुनी जा सकती। मैं आपको नसीहत करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरा लो कौर लगे ना नरमी से कबूल करो, इस नरमी को समझने की कोशिश करो। ये जो हिकमत अमली हमने अख्तियार की है इसका इससे को गलत मतलब न निकाले और गलत फहमी में मुबतला न रहे। नरमी के बावजूद मेरे पास जो इख्तियार मौजूद है वो शायद पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। अमली हमने अपनाई, आज उस हिकमत अमली के कामयाबी के मनाजर आप देख सकते हैं। तशय्यों की अजमत का एक नमूना तो वो था जब तशय्यों दीनी मकातिब की मेन सिटी के अंदर मौजूद पाई गई, बल्कि मसनद सदारत पर बिठाई गई। निकालने वाले बीसियों साल से गालियां निकालने वाले अरबों खरबों खर्च करने वाले गंदगी के ढेर पर एक कोने में खड़े कर दिए, और अभी एक मरतबा तशय्यों की अजमत सामने आई। इन हालात में जबकि सूरत हाल बड़ी पेचीदा है कशीदा है, कुछ लोग शायद हिमायत कर रहे हो किसी गिरोह की, मुझे उससे गर्व नहीं है, मैंने कहा मैं किसी पे संकेत नहीं किया करता, लेकिन तशय्यों का अपना एक मकाम है, अपनी एक अजमत है, अपनी एक हैसियत है। तशय्यों को अपनी बात करनी चाहिए। तशय्यों का एक तशख्स है, एक तारुफ है, एक वजूद है, एक हकीकत है, एक हिंदी प्लेटफॉर्म है जो करोड़ों की नुमाइंदगी करता है, उसको अपनी बात करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में कह रहा है 24 तारीख को हमने मिली यकीनी काउंसिल का इजलास बुलाया। मैंने कहा तीन मसले है, पहला मसला ये है ये इख्तलाफात है, इन इख्तलाफात में हमें फरीक नहीं बनना, अब तक हम फरीक नहीं बने। जितनी जमातें आप देख ले, मैं किसी की बात नहीं करता, अक्सर बेशर कभी इधर झुका हुआ है कभी इधर झुका हुआ है, सुबह उधर है शाम इधर है। तशय्यो अपनी जगह पर कायम है, अपनी अजमत की हिफाजत करते हुए अपने मौके पर मौजूद है। हमने वहां से कहा कि इस वक्त जो इख्तलाफात है उसमें मिली यकीनी काउंसिल को एक कौमी प्लेटफॉर्म की हैसियत से एक रोल अदा करना चाहिए, गारंटर का और जामिन का। हमारी यह रिलीज कबूल हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि तमाम दीनी जमातों ने इस बात का ऐलान किया कि हम मिली यकीनी काउंसिल इस मसले में जामिन का रोल अदा करने के लिए तैयार है। और हमने और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत तफसीली मौजूद है, और हमने कहा है कि मैं किसी पर तनकीद में, मैंने आप भी कहा कि हम किसी पर तनकीद नहीं करते, कौन सही है कौन गलत है, ये तो 10 मारे गए लाहौर के अंदर, दसियों सैकड़ों हजारों तक शहीद हुए और कत्ल हुए, कोई आज तक तस से मस नहीं हुआ, किसी एक कातिल को भी तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया। कहां है पाकिस्तान का आईन, कहां है पाकिस्तान का कानून? और मैं ये समझता हूं कि हमारी अपनी हिम्मत अमली है, हम एक हिम्मत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि सांसों के पहलू बहुत मुख्तलिफ रास्ते हैं जहां से सांसें आ रही हैं, उन सांसों का मुकाबला करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उस मरहले में पहुंचेंगे जब इन शहीदों का कानून के जरिए इंतकाम भी है। बात हो रहे हैं ये हमसे कोई ढके छुपे नहीं है, और हमारे
तस्करा से बाहर नहीं है। सबसे पहला इकराम तो हमने किया था। सदस्य का कन्वेंशन आपको याद है, सेक्रेटेरिएट का घेराव, और उसमें ये शर्फ हमें हासिल था कि हम दावा देने वाले हम थे, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की क्यादत थी। वो घेराव ऐसा हुआ जो नतीजा खेल साबित हुआ, उसके नतीजे में मुआदा हुआ जिस पर अमल दरामद हुआ, और कुछ के हैसियत जिस पर अब भी अमल दरामद के लिए कोशिश है। तो सबसे पहले इसका आगाज तो हमारी तरफ से हुआ, और हम जानते हैं वो रास्ते भी, वो तरीके भी, वो अंदाज भी जिससे हुक्मरानों को झुकाया जा सकता है। हमारी हिम्मत अमली कुछ और है, खतरात किसी और तरफ से ज्यादा है, हम इस तरफ नहीं बढ़े, हम छोड़े नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जाएंगे तशय्यों के हुकूक के तहफ्फुज़ के हवाले से, तशय्यों के जानमाल के तहफ्फुज़ के हवाले से हम इकदाम करेंगे। हुकूक के हवाले से जो हमने इकदाम किए हैं, हुकूक के तहफ्फुज़ के हवाले से जो बहुत से इकदाम किए हैं, जानमाल के तहफ्फुज़ के हवाले से हम इकदाम करेंगे। हमने ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिससे साजिशों के वो दरवाजे बंद हो जाए जिनके जरिए हमारे खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। हमने वो दरवाजे जो तकफीरी ग्रुपों को हमारे खिलाफ उकसा कर, और अभी आप याद कीजिए, और मैं नहीं कहता, मैं इस पर तबसरा नहीं करता, दरमियान हो रहा है, ऑपरेशन जारी है, मैं उसकी हिमायत करता हूं, लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो आपके पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे अपने कातिलों के बारे में मुतालबा उठाने के अल्फाज किसने आपके मुंह से छीन ली? तुम भी उन्हीं का नाम लेते हो जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तुम्हारे बराह रास्त कातिल कोई और है, उनको तो भूल गए। मैंने आप मुझे से नाम ले रहा हूं, आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया। आपके जो बराह रास्त कातिल है, न उनका तस्करा मुलाकात में आया, न उनका तस्करा आपके ऑपरेशन के अंदर आया। मैं मुंतजर हूं, मैं यही कह सकता हूं कि मैं मुंतजर हूं कि शियों के जो हजारों शियों के जो कातिल हैं जिनमें से किसी को सजा नहीं मिली, और सजाए मौत को मुअत्तल कर दिया गया, इसलिए हुकूमत ने भी मौजूदा हुकूमत सजाए मौत को बहाल करना और उन कातिलों को सजा देना इनकी जिम्मेदारी है। और मैं मुंतजर हूं कि क्या मुज़ाकरात में भी नाम नहीं आया, ऑपरेशन में भी नाम नहीं आया, तो क्या ऑपरेशन इसके खिलाफ इदारे ऑपरेशन करेंगे, या हम ही कहेंगे कि हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे?